तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो यार, आज की वीडियो में शेडिंग करूँगा डॉक्टर स्ट्रेंज के, जो मैंने लास्ट वीडियो में आउटलाइन बता दिया था। और इस वीडियो में शेडिंग करूँगा, जो मैं इसमें पूरा जो फेस है इसको कवर करूँगा, और मैं इसमें रियलिस्टिक बनाने का कोशिश करूँगा, जो मैं फुली ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके बनाऊँगा। और ये मेरे पास ब्रूस्टर की फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल है, जो मैंने लास्ट वीडियो में रिव्यू किया था। और मैं ये फर्स्ट पेंटिंग होने वाली है इस पेंसिल से, जो मैं इस पेंसिल को यूज़ करके देखूंगा किस तरह से रियलिस्टिक इफेक्ट आती है। और यदि आप भी परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो। एनीवे, फिलहाल अभी मैं इस वीडियो पे आता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले आई को सेट करूंगा, और मैं सबसे पहले फर्स्ट लेयर लाइट टू डार्क करूँगा, जिसके लिए मैं 2H पेंसिल का यूज़ करके आई को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद फिर डीप वैल्यू को अप करते जाऊँगा, जिस तरह से जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पे मैं डार्क करूँगा, लाइट एरिया में लाइट करूँगा। उस तरह से आप भी ऑब्जर्व करते हुए पेंटिंग को कंप्लीट कीजिए। यदि आपने अभी तक इसको नहीं बनाया है तो आप इसे बनाइए। और मैं इसका आउटलाइन वीडियो में लास्ट वीडियो पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपके लिए समझ में आएगी कि आउटलाइन किस तरह से बनाना है, फिर शेडिंग किस तरह करना है। और मैं इसमें पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके स्केच करूँगा, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, आप भी अच्छे से इसको बना पाए और रियलिस्टिक बना पाए।
सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड थैंक यू। मैं मिलूँगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊं तो उसमें आपको इस चीज़ को कवर करते हुए चलो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।